मैं आर्या लानू संकुश रे, मैं आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में कथा बताना चाहती हूँ। सब बच्चे दुर्गा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। दुर्गा बोला, सृष्टि आज तो तुम बहुत बहुत ठटकर आई हो। सृष्टि बोली, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। पाची बोली, अरे हाँ, कॉल बहन जी ने बताया था कि बालिका दिवस के रूप में सावित्री बाई का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी बोली, सावित्री बाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में माना जाता है। उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ उन्होंने मिलकर पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। किसान बोला, आजकल तो लगभग सारी लड़कियां पाठशाला जाती है और पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्र में खूब आगे है। मंत्र बोला, अरे हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, संस्कार, प्रशासन और खेल कूद में लड़कियां ही आगे बढ़ रही है और अन्य क्षेत्र में खूब आगे है। सुष्टि बोली, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। भैया बोले, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। प्राची बोली, हम सबको खूब पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। सभी बोले, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। एवरेज इतना बोलूं, इतना बोल के इतना बोल के मैं अपने दो शब्द बंद करती हूँ।